पैर में हाथ में लखुआ है, इसलिए घरवाली भी नो कहते कहते आए खाना देते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल एक और अच्छी तस्वीर आपके साथ लेके आया हूं। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पॉजिटिव तस्वीर, इसलिए आपने सुना है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे दवाओं की कहते हैं कि फलाने डॉक्टर के पास आप जाएंगे, इतने पैसे खर्च कर देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवा के साथ साथ अगर दुआ मिल जाए तो रिकवरी जल्दी होती है। स्पेशली मैं आज ये तस्वीर इसलिए लेकर आया हूँ, प्रदीप कुरल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछूंगा। आज फिर भंडारा शुरू कर दिया इन्होंने, पीछे एक जन्मदिन पर लगाया था, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या वजह है आज फिर? आज की वजह ये है कि मेरे दोस्त हैं राकेश शर्मा अमेरिका, जो जिनको कुल्ले की दिक्कत हो रखी है, तो आज उनकी सर्जरी होनी है। तो हम परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। इसके लिए हमने यहाँ आज 2 तारीख को उनकी सर्जरी होनी है, तो 2 से लेके 31 दिन तक निशुल्क भोजन और जल सेवा का यहाँ प्रबंध किया है। कब तक चलेगा ये? 31 दिन चलेगा। 31 दिन लगातार? 31 दिन लगातार। लाखों का खर्च होता होगा? कोई नहीं भाई, के लिए हम भी कर दे कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बड़ी बात है भाई। और कहीं ना कहीं इनकी जो दुआएं निकलेंगी ना, ये एक बार दिखाएं तस्वीर में, ये व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं ये जरूरतमंद हैं। कोई आलिशान बंगलों से निकल कर के यहाँ खाने के लिए नहीं आता, आपको दिख रहे हैं सारे लोग। हालांकि इनमें बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं शराबी हैं, शराब पीते हैं और टाइम पास करते हैं, खाना कहीं मिल जाए तो शायद उन लोगों का तो मुझे नहीं समझ आता, लेकिन यहीं आने का मन क्यों होता है? पीछे एक बर्थडे भी, अब भी ये जगह सबसे उत्तम जगह है, क्योंकि यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन के आसपास जो यानी कि गरीब जो बंदे हैं, क्योंकि किसी अमीर को खिलाने की बजाय आप जो सही आदमी जिसको खाने की ज़रूरत है उसको खिलाओगे तो सबसे अच्छा रहता है। तो हमने पहले भी तेजस के जन्मदिन वाले दिन भी इसी जगह को चुना था, आज भी हमने इसी जगह को चुना है। तो हम 31 दिन तक मैं, तारकेश्वर जी, सोनू भाई, मोनू भाई, अरविंद और ये रोटी बैंक वाले जो शरद भाई हैं, यहाँ हम मिलके ये इसमें हमने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है जो 31 दिन तक चलेगी। क्या कहेंगे? ठीक है भाई, भाई प्रणाम विनोद भाई। ऐसा है, अरे राकेश भाई है अमेरिका, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, प्रदीप जी के, सोनू भाई के, हमारे भी आदरणीय भाई हैं, सम्मानित भाई हैं। आज उनका अमेरिका में सर्जरी होनी है, तो हम सब कामना करते हैं कि उनका ऑपरेशन सफल हो और वो स्वास्थ्य लाभ पाए जल्द से जल्द, और भगवान उनको आशीर्वाद दे, दीर्घायु करे, समृद्ध करे। वो भारत में हमें हर जगह 36 बिरादरी में ज़रूरतमंद होगी मदद करते हैं, तो हमने भी सोचा कि जो भी निराश्रित भाई हैं ये भोजन करते हैं, प्रदीप जी ने यहाँ 1 महीने के लिए ये भंडारा व्यवस्था की है रोटी बैंक में, तो हमारी कामना है कि भाई जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ ले। लिए आपकी टीम आएगी और इनको यहाँ खाना खिलाएगी? हाँ जी, 1 महीना 31 जून तक है ना, हम सब यहाँ मिलके 2 जुलाई तक मिलके हम यहाँ आएंगे और सेवा देंगे। तो देखिए, ये जो रोटी परोसी जा रही है इनमें सुकून काफ़ी अच्छा मिलता है, और इन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर मज़े आ रहे हैं खाने में। खाना ठीक है? बिल्कुल बढ़िया खाना है, और इस तरह से होटल में मिलता है जैसे घर जैसा खाना है, ये होटल में मिलता है जैसे घर जैसा खाना है ये, और इससे अच्छा कहाँ खाने मिलेगा। अच्छा एक बात बताएं बाबू जी, आपसे पूछूंगा, एक भाई का आज ऑपरेशन होना है, तो उनकी तरफ से इन लोगों ने लगातार 1 महीने तक ये लंगर लगाया है, क्या कहेंगे उसके लिए जिस भाई का ऑपरेशन हो? बढ़िया होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, और धन्यवाद। खाना अच्छा है? खाना बढ़िया है, खाना बढ़िया है। डेली खा लेते हैं यहाँ? हो जाता, कोई ना कोई खिलाने आ ही जाता है। डेली खा लेते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। क्या करते हैं आप? हम, मेरा लकवा रहा है जी, काम बनता नहीं। हाँ, सोते रहते कहाँ हैं? खाड़ी मोहल्ले में रहते हैं। मकान है वहाँ? मकान है, बच्चे वो खाना नहीं देते। बच्चे खाना नहीं देते? हाँ जी, माल की बात है। आप शराब पीते हैं इसलिए नहीं देते, लकवा रखा कमाते नहीं इसलिए नहीं देते, क्या वजह है? काम तो बनता ही नहीं, पैर में हाथ में लकवा है, इसलिए घरवाली भी नो कहते कहते आए खाना देते नहीं। बड़ी कमाल की तस्वीरें हैं दोस्तों ये,
एक माँ बाप जिन बच्चों की 5-7 जितने भी बच्चे हैं उनका पेट पालता है, उनको बड़ा बनाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक लड़की ने UPSC क्रैक किया, माँ बाप की आंखों में आंसू थे। और जब माँ बाप की आंखों में आंसू खुशी से आते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन जब आंसू उन बच्चों की वजह से आते हैं जो उन्हें खाना तक नहीं देते, तो कहीं ना कहीं तस्वीर धुंधली नज़र आती है कहीं ना कहीं। और एक तरफ देखिए, दोस्त के लिए स्पेशली ये आयोजन करवा रहे हैं प्रदीप कुडूस, एक तरफ बच्चे, खुद के बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जी क्या कहोगे, खाना ठीक ठाक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। डेली अच्छा भोजन मिल जाता है यहाँ? बिल्कुल, रोज़ अच्छा भोजन मिलता है। कमाल की बात है। ये तस्वीरें सारी देखी, और एक माता जी भी हैं। हमारी जिंदगी भी उस भगवान उसका लगा दे जो सब ने अन्न दाना दे रहा है, या हमारी खुद की जिंदगी है ना, वो भी उस बंदे का लगा दे जो आज हॉस्पिटल में बैठे। जी माता जी, कहाँ से हैं? पता नहीं, ये बात लो। अच्छा, कहाँ से आप है? हमें बहुत दूर से आया था। अच्छा, रोज यहीं खाते हो या? दिनों टाइम इधर ही खाना पीना है। हमारा ठिकाना है हाँसी में। बाल बच्चा टोंग आके देखे नाजी को नहीं। कमाल की बात है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फिलहाल बहुत अच्छे चेहरे। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीते हैं, उनके पास पीने के पैसे आ जाते हैं, खाने के पैसे क्यों नहीं आते, पता नहीं कहाँ से इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं शराब से दूर रहें दोस्तों, हमेशा मैसेज देता हूँ। लेकिन भाई ने जो दोस्त के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, और फिलहाल यहाँ पर सारे लोग हैं ये जो मौजूद हैं। सोनू क्या कहें, आज ये इतनी अच्छी तस्वीर। और एक पिताजी से जो थे, किसी के पिता हैं, उनसे मैंने बात की कि उनके बच्चों ने निकाल दिया, लखवा आ गया, तो पत्नी भी कहती कि कमा के लाओ नहीं तो खाना नहीं मिले। भाई साहब बुजुर्ग हैं और उसका लखवा रहा है तो उन अगर क्या निकलना चाहिए उसका, ये गलत बात है। चलो ठीक है। और पहले तो बड़े भाई राकेश की आज सर्जरी होनी है अमेरिका की, तो उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और उस उपलक्ष्य में भाइयों के लिए ये भंडारा लगा है, उनकी दुआएं मिलेंगी तो स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल इनसे बात कर लेता हूँ। भाई डेली अब एक महीना आपको चिंता नहीं होगी कि किसी से पैसे कलेक्ट करने हैं, खाना कहाँ से एडजस्ट करेंगे यहाँ पे? अभी ठीक, जब तक भाई साहब जैसे लोग खड़े ना हमारे साथ, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अव्वल नंबर भिवानी साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी मदद करते हैं। भंडारा आप लोगों के सहयोग से ही चलता है, जो भी खाता है सब आपका ही है, ठीक है ना। और मैं दुआ करता हूँ हमारे राकेश भाई के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि ईश्वर उनको बहुत जल्दी ठीक करे ताकि हमारा भंडारा भी सही चले और भाई साहब खुश होकर यहाँ पे आए, हर बारी आए जब भी उनका मन करे। जी फिलहाल आप देखें, और किसी ना किसी दिन जरूर मेरे हिसाब से राकेश अगर ठीक होते हैं, इंडिया आते हैं, तो आएंगे इन लोगों के बीच। हाँ जरूर जरूर आएंगे। और मैं परमात्मा से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि राकेश भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हों और भाई का कारोबार फले फूले। परमात्मा भाई को दीर्घायु का आशीर्वाद रहे, भाई का परिवार खुशहाल रहे। कमाल की तस्वीर आपने देखी। फिलहाल भिवानी के रेलवे स्टेशन रोड के नजदीक ये रोटी बैंक चलाया जाता है। फिलहाल मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया यहाँ पर, अब बहुत सी आत्माओं का आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो राकेश जी जल्द स्वस्थ होंगे, आप लोग भी ब्लेसिंग के लिए लिख सकते हैं कॉमेंट में और अपनी तरफ से दुआएं दें जल्द ठीक हो, क्योंकि ऐसी महान विभूतियों के दोस्त इतने अच्छे हैं तो राकेश कितना अच्छा होगा, कितने लोगों का शायद वो घर चला रहा होगा। फिलहाल अमेरिका में बैठा, वहाँ लोगों को एडजस्ट कर रखा है उस व्यक्ति ने, और इंडिया का नाम रोशन कर रखा है, व्यापार में काफ़ी बड़ा नाम है। तो फिलहाल आपने देखी ये तस्वीर, क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।